आज इस सेशन में हम फिफ्थ यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक डील करने जा रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, जो भी बेबीज़ में, जो मतलब छोटे बच्चे हैं, उसमें पीडियाट्रिक्स में जितना भी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है वो हम आज डील करेंगे। मतलब इस सेशन में हम जस्ट क्लासिफिकेशन करेंगे कि क्या क्या होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस। ओके, तो आज हम देखते हैं कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस जो हैं वो क्या होता है, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं, ये सब आज हम इस सेशन में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस की। तो डेफिनेशन इज कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस, जिसको हम CHD बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, CHD, ठीक है, शॉर्टकट में इसको हम CHD बोलते हैं। तो जो CHD होता है इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन ऑफ हार्ट और ग्रेट वेसल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, तो कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम इस वर्ड को देखते हैं, कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब होता है बर्थ के टाइम से ही, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ के टाइम से ही जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं फीटर बेबी में, जितने भी कोई भी अगर डिसऑर्डर्स हैं, कोई भी रेस्पिरेटरी है या कार्डियक प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो हम उसे कंजेनाइटल बोलते हैं। कंजेनाइटल का मतलब बर्थ के टाइम से ही। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस में क्या क्या है? कुछ कुछ ऐसे हार्ट डिजीज़ेस हैं जो कि जब बेबी पैदा होते हैं तब से ही उनको होता है, और वो डायग्नोस करना, कुछ कुछ ट्रीट हो जाते हैं, कुछ कुछ ट्रीट नहीं हो पाते हैं। तो वो कौन कौन से कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, कौन कौन से कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस हैं, वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन में देखते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ेस इज़ डिफाइंड एज द स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन ऑफ हार्ट और ग्रेट वेसल्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है। इसमें क्या है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, CHD जो है उसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन होता है, ठीक है, हार्ट में स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशंस होते हैं, या फिर कहीं स्टीनोसिस हो रहा है, स्टीनोसिस मतलब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर कहीं और के वेसल्स कहीं और पे जुड़ गए हुए हैं, ठीक है, या फिर कोई ऑरिफिस है जो कि क्लोज नहीं हो पाया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। जो भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड मिक्सअप होना शुरू हो जाता है, तो वो सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन हो रहा है, किसका, हार्ट का और ग्रेट वेसल्स का। हार्ट का मतलब हार्ट के जो लेयर्स हो गए, जैसे वाल्व्स भी हो गए, मिट्रल वाल्व हो गया, ये सारे वाल्व्स में प्रॉब्लम होना, या फिर ग्रेट वेसल्स जैसे आयोटा है, आयोटा में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम आना, इन सब का स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन होने को हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं कि एटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ कॉज करती हैं। तो नेक्स्ट हमारा है टॉपिक एटियोलॉजिकल फैक्टर। ओके, तो देर इज़ नो सच नोन फैक्टर फॉर दिस, ठीक है। 90% ऑफ केसेज में जो फैक्टर होता है, एटियोलॉजिकल फैक्टर होता है, वो क्या है, अननोन है। 90% ऑफ केसेस डू नॉट हैव एनी कॉजेस, ठीक है, नॉर्मली आप लिख सकते हैं अननोन। 90% ऑफ केसेस जो हैं उनका जो कॉजेज हैं वो क्या है, अननोन है। ओके, एक गेस बस किया जाता है कि हेरिडिटरी जो है वो हम एक कॉज मानते हैं, कि हेरिडिटरी अगर कभी भी प्रॉब्लम है किसी भी फैमिली में, पेटर्नल या मेटर्नल साइड पे,
तो ये बोला जाता है कि देयर इज़ चांसेस कि वहाँ के जो बेबीज़ होंगे उनको आगे भी कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक और है कंसैनग्यूनस मैरिज, आपने ये मैरिज सुना होगा। इसका मतलब है कि सेम एंसेस्टर्स, मतलब किसी ने अपने बहन से शादी कर लिया या रिलेटिव्स, मतलब सेम एंसेस्टर होते हुए भी अगर जो रिलेशन में ही शादी करते हैं उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि उनके जो जनरेशन आएगा, उनका जो अपकमिंग ऑफस्प्रिंग होगा उसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये एटियोलॉजिकल फैक्टर्स थे कुछ। इसके अलावा भी कुछ प्रीडिस्पोज फैक्टर्स भी हैं एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जिनमें एक आता है जैसे नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हम देखते हैं कि ट्राइजोमी 21 या फिर टर्नर सिंड्रोम। ट्राइजोमी 21 हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इन लोगों को भी चांसेस होते हैं कि इनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनको क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो मैं इधर लिख देती हूँ। अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं उसमें आता है कि कौन कौन से ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि मदर से रिलेटेड होते हैं, जो कि बेबी पे जो भी फीटस है उसको ये CHD होने के मतलब वल्नरेबल बना देते हैं। ओके तो सबसे पहले है अदर एटियोलॉजिकल फैक्टर्स में सबसे पहले आते हैं अगर मेटर्नल IDDM। ओके आप IDDM जानते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। अगर मदर को फीटस मतलब प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर मदर को डायबिटीज़ है, ठीक है, वो भी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है, तो देर आर इंक्रीज्ड चांसेस कि जो बेबी होगा उसको CHD हो सकता है। ओके इसके अलावा जो फैक्टर है वो है टेराटोजेनिक इन्फेक्शन। टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस में आता है टॉर्च, जो हम पहले थोड़ा बहुत डील कर चुके हैं, टॉक्सोप्लास्मिक। अदर्स में आता है सिफिलिस या गोनोरिया, आर से रुबेला, सी से साइटोमेगालो वायरस और एच से है हर्पीस, ठीक है। टॉर्च जो होता है, टॉर्च इसलिए टेस्ट किया जाता है, टेराटोजेनिक इन्फेक्शन में आता है ये, अगर मदर को इनमें से कोई भी इन्फेक्शन है तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है कि उसको CHD होगा, ठीक है। तो टेराटोजेनिक इन्फेक्शंस के बाद है टेराटोजेनिक ड्रग्स या सब्सटेंसेस आप बोल सकते हैं। टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस या फिर ड्रग्स में जो चीज़ें आती हैं वो हो गया जैसे कोई भी मेडिकेशन जो एज अ ड्रग लिया जा रहा है, ठीक है, ड्रग हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारे जो चीज़ें हैं टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस में आते हैं। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस कंज्यूम कर रही हैं, जैसे कोई ड्रग ले रही हैं या फिर अल्कोहल ले रही हैं, तो वो क्या करता है, वो बेबी के हार्ट डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर स्ट्रक्चरल मैलफॉर्मेशन हो रहा है तो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पे CHD हो जाएगा। ओके तो सबसे एक मेन कॉज माना जाता है टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस, यहाँ पे मैं इट्स बेटर कि ड्रग्स की जगह सब्सटेंसेस लिख दूँ, और इसी यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो भी प्रेग्नेंट वुमेंस होती हैं उनको प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अल्कोहल कंसप्शन मना कर दिया जाता है कि अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है, ड्रग्स नहीं लेने हैं, स्मोकिंग नहीं करना है, और अगर किसी को भी ये हैबिट्स हैं तो उनको एडवाइस किया जाता है कि वो इस हैबिट को छोड़ना शुरू कर दें और कोई भी चीज़ ऐसी, कोई भी टेराटोजेनिक सब्सटेंसेस ना ले प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग। ओके इसके अलावा दो चीज़ें और हैं जो कि हैं फीटल हाइपोक्सिया, ठीक है। फीटल हाइपोक्सिया में क्या है, जो फीटस है, ठीक है, उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के वजह से, मदर के किसी भी प्रॉब्लम के वजह से अगर फीटस को कोई भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो रही है, मतलब
ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच रहा है तो भी चांसेस हैं कि हार्ट में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद बेबी का अगर बेबी को अगर सफोकेशन हो रहा है, ठीक है, एस्फीजिया हो रहा है, फीटस को अगर एस्फीजिया हो रहा है तो वो भी हम बोल सकते हैं एस्फीजिया, ठीक है, अगर एस्फीजिया हो रहा है बहुत ज़्यादा, अच्छा ये बर्थ एस्फीजिया है, सॉरी इट्स बर्थ एस्फीजिया। बर्थ एस्फीजिया क्या होता है, जब बेबी डिलीवर हो रहा है उस टाइम पे ऐसे चांसेस होते हैं कि जो भी वो है प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा सॉरी अम्बिलिकल कॉर्ड जो है, अम्बिलिकल कॉर्ड से बेबी का जो गला है वो क्या होता है, टैंगल्ड हो जाता है, ठीक है। तो अगर ऐसे केसेस होते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो बेबी है उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है क्योंकि उस तक प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। उस टाइम पे भी ऐसा होता है कि कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कि है हाई एल्टीट्यूड, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट्स हाई एल्टीट्यूड। ओके, अगर कोई भी मदर हाई एल्टीट्यूड पे रह रही हैं, ठीक है, अगर हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर पहाड़ वाले एरियाज़ पे रह रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, वहाँ ऑक्सीजन का प्रॉपर अमाउंट नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है। जैसा आप जानते हैं, आप जितना ऊपर जाएंगे उतना ही ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जो मदर है अगर वो हाई एल्टीट्यूड पे रहती है तो मदर को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, उसके वजह से बेबी को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब अगर बेबी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उसको क्या होगा, कंजनाइटल हार्ट डिजीज़ होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ओके, ये था एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट हम डील करते हैं क्लासिफिकेशंस, कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है। ओके, तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ CHD, ठीक है। क्लासिफिकेशन में क्या है, जो CHD है वो 3 मेन क्लासिफाइड है, ठीक है, 3 मेन क्लासिफिकेशन है इसके, ए साइनोटिक CHD, साइनोटिक CHD एंड ऑब्स्ट्रक्शन लीजन, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन सॉरी। अब मैं ये पहले आपको समझा देती हूँ कि ए साइनोटिक, साइनोटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स में क्या डिफरेंस है, ये अलग अलग क्यों है, उसके बाद इसके क्लासिफिकेशंस जस्ट मैं एनलिस्ट कर दूँगी, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए ए साइनोटिक, साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैं जस्ट ऐसे ही एक सपोज दिस इज हार्ट, ठीक है, ओके, तो क्या हो रहा है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। यहाँ क्या होता है, प्योर ब्लड होता है और यहाँ क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ओके। सो असाइनेटिक या एसाइनेटिक CHD में क्या होता है, जब भी लेफ्ट साइड से ब्लड जो है वो राइट साइड को आता है, ठीक है, ओके। ए साइनेटिक का मतलब क्या है, ए साइनेटिक का मतलब ये है कि आपने साइनेटिक सुना होगा, साइनोसिस सुना होगा, साइनोसिस का मतलब होता है जब भी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वहाँ पे ब्लूइश कलरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस वर्ड से, साइनोसिस से आप याद रखना, साइनोसिस का मतलब डेफिशिएंट सॉरी ऑक्सीजन का एब्सेंस और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ओके। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट किस साइड पे होता है, यहाँ होता है, ठीक है, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिलेगा तो यहाँ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। इस पोर्शन में क्या होता है, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो यहाँ से ब्लड लेके जाती हैं, ठीक है, यहाँ से राइट वेंट्रिकुलर से। जब भी कोई भी वाल्व्स में प्रॉब्लम है या फिर हार्ट में ऐसा CHD है, सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, जो भी सेप्टम है राइट साइड और लेफ्ट साइड के बीच में जो लेयर होती है हार्ट में, दैट इज़ सेप्टम। जो भी सेप्टल डिफेक्ट की वजह से लेफ्ट साइड से राइट साइड को ब्लड आ रहा है, प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड के साथ मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं एसाइनेटिक CHD, ओके। प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड के साथ मिलेगा तो कुछ नहीं होगा, क्या होगा, इम्प्योर ब्लड फिर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, फिर से प्योर होगा, यहाँ आएगा,
फिर इधर लीक होगा, फिर से जाएगा, वो प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन उसके वजह से बॉडी में इम्प्योर ब्लड नहीं जा रहा है, क्योंकि इम्प्योर ब्लड कहाँ से जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में जाता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर से कौन सा बॉडी में जाएगा, प्योर ही जाएगा, तो कहीं भी साइनोसिस नहीं हो रही है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है असाइनोटिक और साइनोटिक के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से समझोगे, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और साइनेटिक क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट में जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो साइनेटिक है, साइनेटिक में क्या हो रहा है, जस्ट अ सेकंड, ओके, ये सेप्टल है, सॉरी सेप्टम है ये हार्ट का, ओके ओके, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ राइट टू लेफ्ट जा रहा है। साइनेटिक का मतलब क्या है, जैसा मैंने बताया अभी, एब्सेंस ऑफ ब्लड, सॉरी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। साइनेटिक जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है, राइट साइड से लेफ्ट साइड को ब्लड जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा है। अगर इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड में मिक्स हो रहा है, इसका मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिल रहा है, और जो भी बॉडी में पूरा जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो मिक्सचर ब्लड है, मतलब वो ऑलमोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साइनोटिक सीएचडी बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। एक और बार समझा देती हूँ, ए साइनेटिक में प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड के साथ मिलके दोबारा लंग्स में जाता है, फिर से प्योर हो जाएगा, फिर से वो वही चलता रहेगा, ठीक है, बॉडी में नहीं जा रहा है। लेकिन साइनेटिक में क्या हो रहा है, इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड के साथ मिल रहा है, और उसके बाद यहाँ से आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो पूरी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो इम्प्योर ब्लड है, ठीक है, जिसकी वजह से साइनोसिस वगैरह होना शुरू हो जाता है। दैट्स वाई इसे हम साइनोटिक बोलते हैं, इसे असाइनोटिक बोलते हैं, या फिर ए साइनोटिक बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन का मतलब है जो भी वाल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वाल्स हैं उसका स्टीनोसिस होना। स्टीनोसिस का मतलब क्या होता है, देयर इज़ अ वर्ड, दिस वर्ड स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब है नैरोइंग, ठीक है, नैरो हो जाना, छोटा हो जाना, एकदम पैसेज जो भी वे है, जो भी कनाल है, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन में ये होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो क्लासिफिकेशन अच्छे से। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। फर्दर हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, ए साइनेटिक में क्या क्या आ रहा है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये जो दो वेंट्रिकुलर्स हैं, ये जो दो वेंट्रिकुलर्स हैं, यहाँ पे जो सेप्टल डिफेक्ट होगा दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होगा, ये जो आर्टरीज़ के बीच में, ठीक है, फोरामेन ओवेल जो होता है, इसका जो डिफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। फिर पेटेंट डक्टस एटीरियोसिस, ठीक है, आयोटा में एक डक्टस बन जाता है, दैट इज़ पेटेंट डक्टस एटीरियोसिस। फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर कनाल, ठीक है, एट्री और वेंट्रिकुलर के बीच में कनाल फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, उसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर कनाल बोलते हैं। इनका शॉर्टकट ये है, VSD इज़ फॉर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ASD इज़ फॉर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, PDA इज़ फॉर पेटेंट डक्टस एटीरियोसिस, एंड AVC इज़ फॉर एटीरियो वेंट्रिकुलर कनाल। ये था एसाइनेटिक। साइनेटिक में हम देखते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या है, एक ही हार्ट में, एक ही बेबी को एक ही हार्ट में चार दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है, थीके? चार जगह पे प्रॉब्लम होती है। इसको हम डीपली आगे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से इसको पढ़ेंगे, दैट्स वाई जस्ट मैं अभी क्लासिफाई कर रही हूँ। नेक्स्ट है ट्राइकस्पिड अट्रेशिया। ट्राइकस्पिड अट्रेशिया जो होता है, इसमें क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो या तो एब्सेंट होता है या फिर वो पूरा क्लोज्ड होता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। जो ग्रेट आर्टरीज होते हैं, ग्रेट आयोटा वगैरह जो होता है, उनका क्या होता है, ट्रांसपोजिशन हो जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज और आयोटा जो हैं वो अपना अपना पोजिशन चेंज कर देते हैं, वो इसमें होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स। ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन्स में कोआप्टेशन ऑफ आयोटा।
कोआर्क्टेशन जो वर्ड है वो स्टीनोसिस ही होता है, नैरोइंग का मतलब ही होता है कोआर्क्टेशन ऑफ। आयोटा में क्या होता है, नैरोइंग हो जाता है। जैसे ये आयोटा है, नॉर्मल आयोटा है, तो उसमें क्या होगा, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, ये नैरो चीज़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट आता है आयोटिक वाल्व स्टीनोसिस। आयोटिक जो वाल्व होती है वो नैरो हो जाती है। नेक्स्ट है पल्मोनरी वाल्व स्टीनोसिस। पल्मोनरी वाल्व जो है वो उसमें स्टीनोसिस हो जाता है। एंड लास्ट इज कंजेनाइटल मिट्रल स्टीनोसिस। कंजेनाइटल मिट्रल स्टीनोसिस है, मिट्रल वाल्व जो होता है उसका क्या होता है, नैरोइंग हो जाता है। तो ये था क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी इन सभी को हम डिटेल में आगे के सेशंस में करेंगे। थैंक यू क्लास।